मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं आ गया हूँ जिम सुबह सुबह, तो चलते हैं जिम स्टार्ट करते हैं। और अभी रोड पी घर पे ही हैं, अभी तो सो रहा है, तो बस जिम चलते हैं। कैसे हो भाई? गुड। एक्साइटेड टू गो टू स्कूल आफ्टर 3 डेज? हां। तो यहां पर यूके में लॉन्ग वीकेंड था। आई रियली वांट अनदर वन। आई स्लेप्ट सो मच ऑन संडे एंड सैटरडे। या आई मीन संडे एंड मंडे। या संडे यू वोक अप एट 9 एंड मंडे यू वोक अप एट 10। यू मिस्ड वन डे होमवर्क। You missed one day homework? Achha, okay. I think the teacher was so give it to us, but... खुश कितना देख ना। Homework, miss, one day homework. अच्छा, अब जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी रेडी होना है अभी, ठीक है? अबीर, अबीर बोल को प्लीज बेटा डाइनिंग टेबल पर रख दो, मम्मी को हार्ट अटैक मत दो। अगर अभी ये बोल गिरा ना, क्यूटी पाए है, क्यूटी पाए। आपकी वाटर बॉटल रेडी है, और यहाँ पर डैडी अपना प्रोटीन लेके जाना भूल चुके हैं जिम, तो वो कह रहे हैं मेरा प्रोटीन शेक रेडी कर दो। हेलो गाइस, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल एंड आई हैव पीई टुडे, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग माय पीई यूनिफॉर्म एंड आई एम रियली एक्साइटेड today for my PE. And assessments ke bare mein batao, jo aana main cheez jo hai. I have assessment, guys. This determines if I get. I have 3 assessments: science, English, and maths. We haven't had our written ones for maths yet. I don't think we're gonna have the written one for math, but if I get over 110 in any 2, like if I don't get it in English but I get in maths and science, I'll get my Nintendo. Daddy will buy it for me and I will just have to buy the games. And if I get English and maths, you've got to buy the games and the Nintendo because if I get English and maths over 110, you're gonna buy both of them. I will. But first, you need to concentrate on your questions. That okay? is the big one is English and maths. But you're good at it. You've been doing practice tests all weekend. I know, but I haven't been getting good scores. Yeah, but. Why you were not getting? Because I wasn't understanding the questions. No, you were not reading it right. Yeah, that's what I meant. Yeah. If you read it, you will understand it, no? Okay, chalo. I will see you when I get back from school, and the weather's really nice today. And I'm so happy. And guys, I'm wearing shorts and a t-shirt. Yeah. So see you when I get back from school. Bye. चलो बेबी, हैव अ वेरी गुड डे, ठीक है? ओके, बट मेक श्योर कि अपने साथ जंपर वंपर उतार मत देना, ठीक है बेबी? चलो बाय, लव यू, लेट्स गो। शावर ले रही हो? नोना, शावर ले रही हो? एग्स रख दिए स्टडी रूम में, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो फाइनली मैं व्लॉग में आ चुकी हूँ। अभी तक सारा बैकग्राउंड में काम चल रहा था, बस अबीर को स्कूल भेज दिया, सौरभ को उसकी कॉफी और उसके एग्स वगैरह दे दिए हैं। सौरभ अपनी कॉल्स पे है, मैं जा रही हूँ फटाफट से जिम।
पहुंच गए हैं भाई जिम, चलो चलते हैं अंदर। हमेशा की तरह जिम में पहुंचते ही मैंने करी ट्रेडमिल 15 मिनट के लिए 4.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और मैंने बर्न करी कुछ 105 कैलोरीज। लेकिन जब आप मेरी कल की वीडियो देखोगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि जिम रोज आने से आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी मेरी फेवरेट आउटर थाई की एक्सरसाइज करी मैंने शुरुआत करी 14 kg पे, पर मुझे लगा नहीं 14 kg तो टू लाइट फॉर मी, मैंने एंड अप करा 32 kg पे। और आप लोग देख सकते हो बड़े स्मूथली मैंने एक्सरसाइज करी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जिम गई थी, तो आज मैंने सिर्फ 35 मिनट्स के लिए ही करा जिम फिनिश। अब चलते हैं फाजदा, हम दोपहर के बज रहे हैं 12, मेरे भी बज रहे हैं 12। नहीं नहीं यार, जिम बहुत अच्छी करी मैंने, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। चलो आजदा से उठाते हैं योगर्ट। तो बस मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करके, और आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाई हूँ, ब्राउन बासमती राइस। तो अब से हमने सोचा है कि हम ब्राउन राइस ही खाएंगे, और ये बासमती भी हैं तो आई एम श्योर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जब बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं सौरभ के लिए नट्स ले आई हूँ, और सौरभ के लिए मैं पार्ले जी भी लेके आई हूँ। थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है यार। और आज मुझे ये लियोन के, तो यूके में एक ब्रांड है लियोन, ये लोग बड़ी अच्छी सैलड सर्व करते हैं, तो इनके वॉफल फ्राइज बड़े फेमस हैं, तो मैं अबीर के लिए लेके आई हूँ, उसे बेक करके खिलाऊंगी। और ये तो हर घर में आई थिंक हर बच्चे का फेवरेट होता है, तो स्माइलीज भी ले आई हूँ। और साथ में अपना ओंकन मैंगो एप्पल, एकदम 0% फैट वाला अपना योगर्ट, ये ना सिर्फ और सिर्फ आजदा में मिलता है एज़ पर मी, ठीक है। मैंने तो बहुत जगह सर्च किया लेकिन आजदा के अलावा कहीं नहीं मिलता। और ब्लूबेरीज आ गई हैं, स्ट्रॉबेरीज, और अबीर का ना आजकल ये वाला योगर्ट फेवरेट योगर्ट है, उसके लिए मैं ये भी लेके आई हूँ राइस क्रिस्पीज की बार, खिलाकर देखते हैं उसको। और ये मैं लेके आई हूँ जेफ़ के लिए, तो जेफ़ ने कहा था उसको पास्ता खाने का बहुत मन है, और उसने मुझे बताया था कि उसे ये वाला पास्ता बहुत पसंद है, तो मैं कहा चलो मैं यही ले आती हूँ। तो ये उसको अभी गर्म करके देते हैं। और ये तो है डिटॉल, इसको अभी मैं केमिकल वाली कैबिनेट में रख दूंगी। बस मैं नट्स लेकर आई थी, मिक्स नट्स, तो मैं अब इनको कर रही हूँ रोस्ट। हम ज़्यादातर ना नट्स को रोस्ट करने के बाद ही खाते हैं, तो पता नहीं मुझे तब ज़्यादा स्वाद लगते हैं रोस्ट करके। तो इसमें कोई भी ऑयल या कोई भी नमक कुछ नहीं डालना है, बस इनको सिंपल पैन में डालकर सौते कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। फिर हम जब योगर्ट वगैरह खाते हैं ना ग्रेनोला के साथ, उसमें डाल लेते हैं, नहीं तो स्मूदीज के अंदर डाल लेते हैं। ओ माय गॉड, मैं आ गई हूँ अबीर को लेने, और भाई इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है भाई, 22 degrees। भाई तूने एसी चला दिया ना, सब कुछ चल रहा है ना, मुझे चलाना नहीं आता इस गाड़ी का एसी। हाँ मैक्स एसी करो, एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, मेरा फेस तो एकदम रेड हो रखा है। और ये देखो टेम्परेचर देखो आप, 22 degrees, जब मैं आई थी ना इट वॉज 22.5। हाँ वो मैं एक रील बना रही थी, I'll show you in a minute. मैंने इसको ठंडा ठंडा दही दिया है, खाओ बेटा खाओ, स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम खाओ। भाई बहुत गर्मी है, चलो बेटा चलो, यहाँ पे नहीं खेलना, कार पार्क में नहीं खेलना, जल्दी आओ। भाई कितनी गर्मी है आज, मैं बस अबीर को स्कूल से लेकर आई, और आते साथ मैंने शावर लिया। अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं अभी के लिए बना रही हूँ, कल करूँगी फ्रीजर क्लीन, फ्रीजर क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो कल वो पिकनिक पे गए थे, तो इतना सारा सामान लिया था सैलड्स वगैरह, तो वो खा ही नहीं पाए, बस अब खाने लगी हूँ मैं। तो एक है लीन ग्रीन मशीन, और ये वाली उनकी अपनी होममेड सैलड है, रोस्टेड स्वीट पोटैटो, मतलब कि ये भी उन्हीं की सैलड है एमएनएस की, बट ये वो ओवर द काउंटर बनाते हैं, और ये ऑलरेडी पैक्ड है। तो बस इन सबको मिक्स करते हैं, थोड़ी सी मैं खाऊंगी, थोड़ी सी सौरभ खाएगा। सीरियसली यार ये ग्रीन मशीन वाली तो बड़ी अच्छी थी, इसके अंदर पता एवोकाडो है, और वो दाल नहीं होती मसर की, साबत मसर वाली दाल ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वो दाल है, बहुत सारे मटर हैं, बीन्स हैं, मैं बनाऊंगी यार, मैं भी घर में बनाऊंगी एक दिन ये मेरी सैलेड। मेरी कॉल्स खत्म हो गई हैं, और हम आए हैं टेस्को, और हम आए टेस्को में लेने के लिए आइसक्रीम। कितनी सारी आइसक्रीम है? तो आज है यार 23 degrees हो रखा है इस टाइम, 25 हो गया था पहले, अभी 23 हो रखा है, लेकिन इट्स वेरी वेरी नाइस वेदर, तो इससे पहले मेल्ट हो जाए हम घर चलते हैं, जल्दी से खाते हैं इसको। स्वाद सही सारे लाया था ना मैं,
ये मेरी चॉइस थी। मतलब इतने सारे घर में बन सकता है, लेकिन आपको बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स खुद बनाने पड़ेंगे। स्वीट पोटैटो, ये मटर छिलको के साथ, थ्री पाउंड्स। सच में अगर घर में बनाऊंगी तो मुझे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ना प्रिपेयर करने पड़ेंगे। या तो ना एक हफ्ते के लिए ना पहले से प्रिपेयर करके रख लो। अच्छा है, शक्करकंदी को ला के थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन बन सकता है, स्वाद होगा। तेल भी है तो पता है यहाँ पे केल बहुत ज्यादा मिलती है। हाँ, इंडिया में मिलती है, हेल्दी भी होती है। और हम ये चिप्स लेकर आए हैं, ये बेक्ड हैं, स्वीट पोटैटो टोर्टियास, बहुत अच्छे हैं। गाइस, ये रे अभी सूरी, ज्यादा दूर मत जाना बेबी। ओके यार, ये एयर फ्रायर मस्त चीज है, बिना ऑयल के जो कुकिंग होती है ना इसमें मजा आ जाता है। तो मैं जब तक अपनी सैलड खा रही थी, मैंने इसका ये डाल दिए थे इसके अंदर स्माइलीज और वॉफल, और अब ये कुक हो गए हैं। ये लो जी, मम्मी मम्मी भूख लगी। हाँ, क्या हो गया, क्या पसंद नहीं आया क्या? आपको योगर्ट दे दूंगी इसके बाद। अभी आप बाहर से साइकिल चला कर आए हो ना, इसलिए भी आपको ज्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, अभी ये स्नैक्स है ना, स्नैक्स खाओ जल्दी से। अब गिरे हो क्या बाहर? नहीं भाई, मुझे लगा ये गिर गया था साइकिल चलाते। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैंने चेक कर लिया, नहीं कोई चोट नहीं है। टाइम हो गया अबीर के डिनर का, लेकिन अबीर अपने उस टॉय के साथ ही लगा हुआ है। डैडी डैडी, आपके हाथ साफ है? डैडी कहाँ पे है? ये कपड़े धुल के निकले हैं, एकदम सूखे हुए हैं। डैडी को ना ऊपर ले जाएंगे। एनीवे गाइस, अभी इस वाले टॉय का नाम पता करना है यार, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मामू को फोन करके पूछो। अभी पढ़ाई में भी नंबर वन हो जाओ। चलो अब मैं रोटी बना रही हूँ, फटाफट कड़ी के साथ खाएंगे। मेरे अभी ने अभी तक कड़ी नहीं खाई है। अच्छा मुझे रोटी बनाने दो बेटा। तो अभी सूरी का डिनर रेडी है। मेरे बच्चे ने कड़ी नहीं खाई थी क्योंकि कल रात को मैंने बनाई थी, तो ये सो गया था तब तक। तो मैं अपने बेटे को खिलाती हूँ कड़ी और रोटी। हैं जी, आप लोगों को एक बात बताऊँ, अबीर फर्स्ट टाइम ऐसे कड़ी पकौड़ा खाएगा, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब कि मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम इसने कब खाया था, पर चलो खिलाते हैं इसको। मैं बनाने लगी हूँ ये ब्राउन बासमती राइस। भाई राइस की क्वालिटी देखना ज़रा, इतने सही लग रहे हैं ना ये, अब बनने में भी उतने अच्छे हों, देखते हैं। थोड़े से और डाल लेती हूँ। मैं ना हमेशा अंदाजे से चावल बनाती हूँ क्योंकि हम लोग बॉइल्ड राइस ही खाते हैं, तो बॉइल्ड राइस वैसे भी इतना नुकसान नहीं देते हैं। और अब तो ये ब्राउन है, तो अगर ज़्यादा भी बन गया तो कोई बात नहीं, मेरी सैलड वगैरह में यूज़ हो जाएंगे। और या तो ये वाले ब्रांड के मैं लेकर आई हूँ ब्राउन बासमती राइस, बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बने हैं। तो ब्राउन राइस बन चुके हैं ऑब्वियसली यार, अब थोड़ा अगर सेहत का ध्यान रखना है तो टेस्ट पे वो कहते हैं ना काबू पाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी मैंने थोड़े से खाकर देखे हैं, देखते हैं सौरभ को कैसे लगेंगे। वैसे तो हम बागा मामा जाते हैं ना, हमेशा ब्राउन राइस ही लेते हैं। अब अपने घर में बनाए हैं, देखते हैं कैसे बने हैं। जी, जो गानों की आवाज़ आ रही है वो है हीरा मंडी के गानों की आवाज़। तो हम लोग आजकल ये सीरीज देख रहे हैं। एनीवे गाइस, प्लीज़ प्रेजेंटेशन में मैं जाना बहुत थकी हुई हूँ। कल किसी ने मुझसे पूछा था आपने कड़ी के बारे में बताया नहीं पकौड़ों के बारे में। भैया ये पकौड़े वैसा ही स्वाद देते हैं जैसा कि तेल में तले हुए देते हैं। मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया है, तो वो शॉर्ट्स जल्दी आ जाएगा यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने ज़्यादा अच्छी तरह से बताई हैं चीज़ें।
तो नहीं, बहुत अच्छे हैं पकोड़े, क्योंकि कढ़ी में वैसे इतना तेल होता है, और पकोड़ों को मैंने बेक करके ना थोड़ा सा कढ़ी को ना मैंने हेल्दी हेल्दी कर दिया, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। एनीवे अभी खाते हैं।